मैं आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे साथ में कल हुआ। तो गाइज देखो, हम लोग कल गए थे घूमने के लिए, ऐसे नॉर्मल व्लॉग बनाने के लिए, ठीक है। मेरे फ्रेंड का घर का को मैंने व्लॉग डाला था, उसके घर के पीछे एक ऐसे ही एक झरना बहता है और वहाँ से छोटी सी एक मिनी रिवर निकलती है जब ज़्यादा बारिश गिरती है तब। तो गाइज लिटरली मेरा फ्रेंड जो है उस रिवर पे, शायद से मैं आपको दिखाता हूँ, 2 महीने पहले या फिर नहीं 1 महीने पहले गया था उस रिवर पे। तब गाइज पानी जो है गाइज कुछ इस तरीके से दिख रहा था, ठीक है। फिर 2 महीने के बाद में हम लोग कल गए, कल जाने के बाद पानी का फ्लो जो है गाइज इतना था, ठीक है, बढ़ गया था। तो बढ़ने के बाद में गाइज यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये इतना पानी का फ्लो हुआ था वहाँ पे। फिर उसके बाद में गाइज हम लोग गए वहाँ पे, घूम रहे थे मस्त, हमारा मतलब अच्छा खासा वीडियो बन रहा था, हमेशा की तरह व्लॉगिंग बना रहे थे हम लोग, व्लॉग बना रहे थे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एक और बार। तो गाइज यहाँ पे जो है देख सकते हो क्या ही रिवर है, और वहाँ से जो वाटरफॉल है सामने से, और वहाँ पे जाने वाले अभी हम लोग, ठीक है। तो लिटरली गाइज उस उधर जो है गाइज हमारी जान पे आ गई थी, मतलब हमारी वहाँ पे जान भी जा सकती थी अगर थोड़ा सा इतना सा भी हम लोग गलती कर देते वहाँ पे तो। और मतलब लगभग गाइज आप लोगों को मैं ये इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि गाइज कभी भी, ठीक है, कभी भी बिना सेफ्टी से पानी में उतरना मत, ठीक है। मतलब ऐसे पानी में ना उतरना जिस पानी में फ्लो हो, वहाँ पे दूसरे लोग ना हो, दूसरे लोग तैर नहीं रहे हो, ठीक है। तो हम लोगों ने वही गलती करी, और गलती जो है आपको पता है नेचर कितना हार्मफुल होता है और कब किसकी जान ले लेता है समझता नहीं, ठीक है। तो ये व्लॉग में गाइज मैं आप लोगों को यही चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि गाइज हमारे साथ में जो चीज़ हुई वो आपके साथ आगे जाके ना हो। मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी ये वीडियो देखोगे तो इस वीडियो में आपको मैं वही बताने वाला हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक एम नहीं दूंगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि गाइज आप लोगों के साथ में ऐसी चीज़ ना हो, ठीक है। तो गाइज देखो, कल मतलब आज को उतनी है 10, ठीक है, 8 तारीख को गाइज हम लोग यहाँ पे मेरे दोस्त के पीछे, घर के पीछे, मतलब एक बड़ी रिवर है, ठीक है, मतलब वो गांव है, गांव के ऊपर एक बड़ा ये है माउंटेन है, उस माउंटेन से नदी आती है ऊपर से जब बारिश का मौसम होता है तब, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताई। तो वहां पे हम गए, नॉर्मल डे था, हम लोग ऑफ रोडिंग कर रहे थे गाड़ी का, ऑफ रोडिंग देख रहे हो नैन भाई की। ओ भाई क्या क्या कर रहे थे हम लोग, तो व्लॉग बनाते तब आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए हमेशा एक्साइटेड ही होते हैं, लेकिन गाइज उधर ऐसी सिचुएशन हमारे साथ में हुई ना, तो मतलब लिटरली हमारी जान पे आ गई थी। तो गाइज देखो वहाँ पे हम लोग आगे गए कि हमारे साथ में वहाँ पे क्या क्या हुआ, एक्चुअल लाइव फुटेज देखो वहाँ की, कि गाइज हमारे साथ क्या हुआ और हम लोग पानी में डूब सकते थे उधर, ठीक है। तो क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे अभी। सो गाइज यहाँ पे अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और इसको हमको क्रॉस करना है भाई, ये क्या सीन है अभी। अरे भाई बारिश भी बहुत ज्यादा आ रही है गाइस, और अभी हमको यहाँ पे पानी का स्पीड देखो, अभी देखो तुम्हारा भाई कैसे तैरेगा। ये तो चला गया भाई पूरा। अरे ये तो चप्पल बाहर निकालनी होगी गाइस हमें, चप्पल क्योंकि चप्पल हाथ में। ए आपको क्रॉस करना है अपने को, ये क्रॉस कर, किधर जाना, किधर है तो चप्पल हाथ में लेना है। चलो गाइस चप्पल जो है हम लोगों को हाथ में लेना होगा। अरे ये चप्पल में घुस गया भाई साहब, चप्पल धो लेता हूँ, इसमें चप्पल धो लेता हूँ, चिकन से भर गई है। सोमताम बोले इसकी। अरे मेरी चट्टी गई, कुछ तो है नीचे, कुछ तो है, कुछ तो है भाई, ये देखो। अरे अभी जाएगा नीचे, रोहन चप्पल ले मेरी, 1 मिनट। अरे चप्पल ले। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, और गाइस ये पानी का फ्लो अभी तुम लोग देखना कितने धीरे से जा रहा है, मतलब अभी भी ज़्यादा ही है, लेकिन जब हम लोग वापस आएंगे ना तब ये पानी का फ्लो 2 गुना ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो इस तरीके से जो है मतलब पानी के फ्लो जो है बढ़ते रहते हैं और कभी भी कम भी होते रहते हैं, कुछ बोल नहीं सकते कब कब किसी के साथ क्या हादसा हो जाए। और हम लोग यहाँ पे मतलब मज़े करने के लिए जा रहे थे, व्लॉग बना रहे थे, हमको कोई आइडिया नहीं था कि हमारे साथ में ये सीन होने वाला है, और हम हमारा नॉर्मल व्लॉग बना के हमारे टीम के साथ में मस्त तरीके से एंजॉय करते करते जो है मज़े लेते लेते थे, व्लॉग बना रहे थे, लेकिन हमको ये कितना रिस्की हो सकता है वो पता नहीं था, और हर ग्रुप के साथ में यही चीज़ होता है। तो इसलिए गाइज आज के बाद हम लोग ऐसी चीज़ दोहराएंगे नहीं, और ये व्लॉग मेरा देखने के बाद होप कि आप लोग भी ना दोहराएं।
सो गाइज अभी आती है वो जगह जहाँ पे गाइज हमारे साथ में ये सीन हुआ। तो आगे हम लोग थोड़ा से चल के जाते हैं यहाँ से, तो वो जगह आती है। तो आदित्य जो है गाइज वो ऑलरेडी फर्स्ट टाइम पहले जाके आ गया था, उसने ऑलरेडी व्लॉग डाल रखा है अपने चैनल पे। और वो जो है गाइज इधर का पूरा मतलब बहुत ही अच्छा स्विमर है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। आदित्य देखो गाइज वो किस तरीके से जो है आराम से वहाँ पे खड़ा होकर जो है अपना हाथ को जो है ऊपर ये कर रहा है, तो आराम से बहुत ही अच्छा स्विमर है आदित्य, ठीक है। तो वो उसको कुछ टेंशन नहीं, वो अदर वो चला गया, ठीक है। और वो जाके वापस भी आ गया, ठीक है यहाँ से। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी मैं। सो गाइज हमें इस बात का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि उधर जो गाइज यहाँ पे पानी के बुलबुले बन रहे ना, देखो गाइज पानी जो है नीचे से जा रहा था, ठीक है, नीचे से जाके ऊपर वापस आ रहा था, तो उसके लिए यहाँ पे बुलबुले बन रहे थे और पानी वापस पीछे ले जा रहा था, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो है एक मतलब ऐसा कर्व करके गोल करके पानी बन रहा था, तो वहाँ पे पानी अंदर खींच रहा था। और वहाँ की हाइट जो है लगभग 7 फीट डीप थी, यहाँ पे मैं आप लोग को वो दिखा रहा हूँ। देखो आदित्य का हाथ देखो कितना ऊपर है, उतनी जो है गाइज वहाँ पे हाइट थी, उतना डीप था पानी। और मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं था, तो मैं भी वहाँ पे पानी के अंदर चला गया। सो गाइज अभी वो फुटेज जो है गाइज मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे रोहन को जो है यहाँ पे स्टोरी लेनी थी, तो उसकी वजह से रोहन ने यहाँ पे जंप करी। और रोहन को कुछ भी आइडिया नहीं था, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं था कि गाइज वहाँ पे होने क्या वाला है एक्चुअली। तो गाइज रोहन जो है यहाँ पे मस्त अपने मजे ले रहा था, और रोहन जो है आराम से जो है अपना सांस रोक के यहाँ पे रुका। उसको आइडिया नहीं कि पानी जो है वहाँ पे अंदर खींच रहा था। तो गाइज जैसे ही वहाँ पे रोहन ने किया, तो पानी उसको अंदर खींच के लेके चला गया, देखो गाइज राइट साइड पे। तो मेरे को डर लग गया, तो फिर मैं उसको बचाने के लिए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रोहन समझ नहीं पा रहा था कि भाई उसके साथ में क्या हो रहा है। तो इसमें मतलब देखो गाइस यहाँ पे मैंने रोहन को धक्का मारा, ठीक है, ताकि वो पानी के फ्लो में से निकल जाए। तो वो तैर रहा था, लेकिन मैंने धक्का मारा, तो गाइस वो निकल गया वहां से। तो अभी सीन क्या हुआ कि गाइस मैं उसके वजह से फंस गया गाइस, रोहन और आदित्य जो है डर के मारे रोहन को बचाने के लिए वो भी खुद गया। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ कि दोनों स्विमर्स साथ में फंस गए, और वो आदित्य भी इतना अच्छा स्विमर हूँ, मैं भी इतना अच्छा स्विमर हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं पैर मार रहा हूँ, लिटरली मैं आगे जा ही नहीं पा रहा। आदित्य भी पैर मार रहा है, वो भी लिटरली आगे जा नहीं पा रहा है। मैं भी पैर मार रहा हूँ, मैं भी आगे नहीं जा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सिचुएशन हुई ना, वहाँ पे ही गाइस हमारे साथ में पूरा वाट लग गई गाइस हमारी। तैर रहे थे तब रोहन को, जब रोहन जब जंप मारी और रोहन जब मतलब ऐसा कर रहा था, तब गाइस यहाँ पे रोहन को यहाँ पे लग गई। देखो गाइस पत्थर थे नीचे बहुत सारे, और वो जो पानी था ना गाइस, पानी इस तरीके से फ्लो में बह रहा था, इस तरीके से फ्लो में, ताकि मतलब हम लोग बीच में थे और वो फ्लो में उधर से नीचे घुस रहा, तो उधर का डीप हो गया था, बहुत ज्यादा डीप, मतलब 8 फीट डीप हो गया था। 8 फीट, मैं 6 फीट का हूँ, ठीक है गाइस, मैं 6 फीट का हूँ, मेरा इतना ऊपर। तो मेरे को क्या करना लग रहा था, मैं ऐसे जंप कर रहा था लिटरली गाइस, तो पानी के फ्लो से मैं थोड़ा सा ऊपर हो रहा था, मैं सांस ले रहा था, सांस लेके वापस मैं नीचे आ जा रहा था गाइस। मतलब लिटरली मेरे साथ में क्या हो रहा है मुझे भी समझ नहीं था। मैं स्विमर हूँ गाइस एकदम, मतलब इसलिए मैं वहाँ पे गया था, रोहन भी स्विमर है, हमको आइडिया नहीं था। अगर जरा सा भी गाइस वहाँ पे स्विमर नहीं होता या फिर कोई और होता हमारी जगह पे, 100% डूब जाता गाइस, 100 in 1%। हम ही कैसे तैसे बचे, वो ट्री का हमको सपोर्ट मिला इसलिए हम लोग बचे। तो मैं लिटरली ऐसे जंप मार रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, जंप मार रहा हूँ, ऊपर सांस ले रहा हूँ, और मैं मतलब अगर गलती से वहाँ पे पैनिक होके अगर मैंने वहाँ पे पानी पी लेता, तो गाइस खत्म था 100%। तो रोहन को वहाँ पे लग गई थी पत्थर नीचे, और मेरे को भी लग सकती थी, लेकिन मेरे को वही लगी नहीं, ठीक है। वो तो भगवान का अच्छा खासा शुक्र था, और भगवान ने हमको लिटरली हमारे लिए ही गाइस वहाँ पे पेड़ गिराया था। और जब आदित्य ने पहले व्लॉग डाला था उधर का, तब वो पेड़ गिरा हुआ नहीं था, लिटरली गाइस वो भगवान ने हमारे लिए, मैं तो समझता हूँ, पेड़ गिराया। अगर हम लोग वो पेड़ नहीं होता ना गाइस, तो आज गाइस मेरे यहाँ पे आ, देखो हाथ के बाल खड़े हो जाते, घोषबम भी आते गाइस मेरे को, ये देखो घोषबम्स आ जाते पूरा। वो सिचुएशन भी इतना ऐसा था भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ गाइस, सच में सिचुएशन ही ऐसा था ना गाइस। ये देखो घोषबम, देखो मेरे पूरे, देखो यहाँ पे बाल खड़े हो जाते, वो सिचुएशन ही ऐसा था ना भाई, तो आप लोग सोच के ये हो जाओगे। तो देखो फिर रोहन जो है, रोहन तो ऐसे तैर रहा था, रोहन को पता ही नहीं चल रहा था भाई। भाई सुन, मैं क्या हुआ, मैंने जंप किया, तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि मैं एक बार वापस आ गया, मैं यहाँ तक पहुंच भी गया था, लेकिन फिर मैं क्या किया, मैं सोचा और थोड़ा आगे जाता हूँ, लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, पानी ने मेरे को पीछे खींच लिया, वहां पे जो भंवर था ना, उसने मेरे को पीछे खींच लिया। हाँ। तो उसकी वजह से मैं पीछे पीछे जा रहा था। हाँ, तो हमें लगा रोहन गया, हमें लगा रोहन का, तो मैं उसके पीछे पीछे भागा। ये मेरे को बचाने के लिए आ रहा था, और बचाते बचाते क्या किया, इसने मेरे को धक्का दे दिया। हाँ। मेरे को समझ में भी नहीं आया, मुझे सिचुएशन भी पता नहीं, पानी का जो भंवर बन रहा था ना भंवर, तो वो भंवर में से निकल गया मेरे फोर्स की वजह से, और मैं फंस गया यहाँ पे, मैं और आदित्य दोनों फंस गए। आदित्य इसको बचाने के लिए, आदित्य ने जंप मारी, आदित्य को मैंने बोला बचाने आ जाए इसको, मेरे से नहीं होगा क्योंकि मैं खुद डूब रहा हूँ। तो वो भी डबा क्योंकि वो एक्सपर्ट है वहाँ पे, वो गाँव का ही है, उसी गाँव का लोकल है, 10 बार जा चुका है उस रिवर में, लेकिन उसको भी नहीं पता था, बारिश इतनी हुई थी 2 दिन, तो उसका फ्लो इतना ज्यादा हो गया है पानी का,
तो गाइस हमारे को कुछ समझ नहीं आया, तो वहां पे हम लोग समझ रहे पैनिक हो रहे, ऊपर जा रहा हूँ ये कर रहा हूँ, फिर हमारे पास में, फिर मैं ऐसे फ्लो इधर ऐसे ऐसी दीवार थी नीचे से, ठीक है, तो मैं दीवार पे ऐसे पैर लगा के आगे जा रहा था, स्विम कर रहा था, वापस वो भंवर इस तरीके से पानी वापस पीछे ले रहा, फिर मैं वापस आ रहा हूँ, वापस ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, वापस इधर जा रहा हूँ, यही कंटिन्यूस वही हो रहा है। मेरा सांस फूलता गया, आदित्य का भी फूलता गया सांस, फिर आदित्य ने मेरे को चूर से चिल्ला के बोला नयन उधर वो ट्री है उसको भी काट सकते, तो हम लोग इस वाले एंगल में गए, तो उधर से हमको जाने जाते हैं, उधर भी मेहनत करी, मेहनत करने के बाद जब मेरे वो ट्री पकड़ा ना, इतना सुकून मिला गाइस मेरे को, और इनको कुछ पता ही नहीं, इनको लग रहा है अभिषेक इनको मतलब ये स्विम करते जा रहे हैं, स्विम कर रहे, और हम लोग वो होता है ना स्विमिंग स्टाइल वही कर रहे, इनको पता ही नहीं चला कि गाइस हम लोग डूब रहे लिटरली वहां पे, और उनको फिर बाद में ये लोग आके पूछते कि तुम्हारे साथ सीन क्या हुआ वहां पे, तुम ऐसे क्यों कर रहे थे, हमने जब बताया उनको तो हम डूब रहे थे करके, तब आपको भी अभी समझ गया होगा कि गाइस हम लोग क्या सिचुएशन से वहां से गुजरे, तो आपके साथ ये सिचुएशन ना हो इसलिए गाइस हम लोग ये व्लॉग बनाया। सो गाइस ये कांड होने के बाद में हम लोग जैसे जाने के लिए निकले डर के मारे, तो वहां पे बहुत जोर से बरसात शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, फिर उसके बाद में जो है इतनी बारिश तेज शुरू हो गई, तो वहां पे जो उसका फ्लो था रिवर का तो वो और दो गुना ज्यादा बढ़ गया, तो गाइस अभी हमको ये सिटी में पहुंचने के लिए मतलब उसके गांव में पहुंचने के लिए रिवर क्रॉस करना ही था, वरना पूरा बारिश रुकने तक हमको यहीं पे रुकना पड़ता, और हम लोग उसी के पहले से बहुत ज्यादा टेंशन में थे, और अभी इसको हमको क्रॉस करना था किसी भी हाल में। अरे भाई भाई फंस गया, मैं भाई फंस गया, भाई फंस गया भाई, देखो भाई किस तरीके से जा रहे हैं, इधर मिट्टी है बहुत, दलदल है पूरी के पूरी नीचे, देखो भाई आधे अंदर है, इधर पानी बह नहीं रहा है, बह नहीं रहा है अभी, पूरा कीचड़ है नीचे, पहले भाई हाथ पकड़ लो, ये यहां से सीधे चलो, सीधे चलो, सीधे चलो, ऐसी सिचुएशन किसी के ऊपर ना आए वो तो हमारी गलती थी, वी एक्सेप्ट दैट, और गाइज आगे भी भाई भगवान से यही प्रार्थना रहेगी गाइज आगे किसी के साथ ऐसी सिचुएशन ना आए और हमारे साथ में भी ना आए, और गाइज वीडियो के लिए हम ऐसी चीज कभी नहीं दोहराएंगे, कभी भी नहीं गाइस, बहते पानी में तो कभी मत जाना, हाँ कभी मत जाना, वो होता है ना गाइस होता है ना, उसमें कभी भाई हम लोग वीडियो देखते हैं दूसरों की वीडियो को देख के हम लोग बोलते हैं कि भाई ये डूब कैसे गया, मैं उसके जगह पे होता मैं स्विमर हूँ प्रो, हम खुद बोलते हैं भाई हम भी स्विमर थे, आज हमको समझा लिटरली उस सिचुएशन में फंसे थे ना हम लोग तब, वो तो अच्छा हो गया भगवान ने हमारे लिए ट्री थी, क्योंकि उस साइड पे एक दीवार भी थी, तो वो दीवार भी कुछ काम की नहीं थी हमारे लिए, वो पूरा स्लिपरी थी, उसके ऊपर जो है शैवाल आ गई थी पूरी, तो बहुत गंदा सीन हो रहा था, तो वो गाइज वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करना, और हर एक दोस्तों को जो है गाइज ये व्लॉग शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी ओपी व्लॉग्स बनाते रहेंगे हम लोग, लेकिन ऐसी रिस्की व्लॉग्स बिल्कुल नहीं बनाएंगे, जहां पे सेफली पानी शांत हो वहां पे ही गाइज हम लोग उतरेंगे, तो मिलते हैं ऐसे एक नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड गॉड ब्लेस यू। रोहन भाई हमारे जगह पे स्विमिंग करते हुए पीछे जाते हुए, अरे चलो चलो चलो, अरे